नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीबेस टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति की। दोस्तों, सीरियल परिणीति के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही चौंकाने वाला एपिसोड, क्योंकि यहाँ पर हल्दी के फंक्शन में हमारे संजू के संग परी की हल्दी हो गई है और कल्याणी जी ने भी आकर दोनों को आशीर्वाद दिया है और मंदिर में माता रानी का शुक्रिया अदा किया है। इन दोनों की जोड़ी को सही सलामत रखने की जो है कामना भी की है और भगवान के आगे इन दोनों की जोड़ी की बलाएं भी ली है। लेकिन तभी वहां पर नीति को काफी कुछ भला बुरा भी कह दिया है कल्याणी ने कि अच्छा हुआ कि संजू और नीति की जोड़ी नहीं बन रही है, क्योंकि वो जोड़ी कभी ठीक थी ही नहीं। ये जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है परी और संजू की, और इन्हीं की जोड़ी बननी चाहिए। तमाम चीजें जब होती है तो वहां नीति पहुंच जाती है, उसे गुस्सा आता है और वो फिर हल्दी की रस्म अपने साथ करती है। संजू के नहाए पानी से खुद नहाती है और कल्याणी को अनाप शनाप बोलकर वहां से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर सच में नीति के सामने परी का असली चेहरा सामने आ जाने वाला है। जो नीति है वो जान जाने वाली है कि यही परी है जिसके बाद अपनी शादी ना रोक दे, उसकी शादी ना रोक दे परी। इसलिए हमारी नीति ने क्या किया है ना कि परी को किडनैप कर लिया है और अब वो उसके साथ वही करना चाहती है जो उसने पहली बार परी के साथ किया था, उसे जान से मारने की कोशिश। जी हाँ, आपको बताते चलूं कि सीरियल परिणीति की कहानी में अब हमारी परी की जान पर है बहुत बड़ा खतरा। नीति लेने वाली है उसकी जान। क्या सही वक्त पर पहुंच जाएगा राजीव और बचा लेगा अपनी होने वाली दुल्हनिया को, और भांडा फूट जाएगा नीति का। वैसे दोस्तों, सीरियल की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। दिसंबर में ये शो ऑफ एयर हो रहा है तो उससे पहले सीरियल की कहानी में सारे विलन्स का पर्दाफाश होगा और संजू और परी का महामिलन होगा। काफी मजेदार होने वाला है सीरियल, आप सब मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा।